बैंड है जो कुछ भी गोरक्षक है, चाहे चाहे बजरंग दल है, वो उन्होंने हमारे साथ बड़ी निर्ममता से हत्या की है। ये इन्होंने क्या हुआ कि जैसे यहाँ से उठा है इन बड़े अधिकारी मरेंगा, मरेंगा जाने के बाद ये क्या है, जैसे ही गोरक्षक तो कुछ नहीं। नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूँ प्रतिभा मिश्रा। कातिल रात का सफेद सच ऑपरेशन लोहारू। राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले नासिर और जुनेद हत्याकांड की जांच लगातार जारी है, सियासी बवाल भी लगातार जारी है। इस बीच टीवी 9 भारतवर्ष चौंकाने वाला खुलासा आज करने जा रहा है। नासिर जुनेद की हत्या का सच क्या है ये आपको हम बताएंगे। मोनू मानेसर मामले में कितना शामिल है, पुलिस की जांच किस दिशा में अब तक पहुंची है, हर सवाल का जवाब आपको हमारे स्टिंग ऑपरेशन में आज मिल जाएगा। ऐसे ऐसे खुलासे होंगे जिसे देखकर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और इस बीच बड़ी खबर, नासिर जुनैद की हत्या पर टीवी 9 भारतवर्ष पर सबसे बड़ा खुलासा। टीवी 9 के स्टिंग ऑपरेशन में जांच अधिकारी का बड़ा बयान, पिटाई से हुई है नासिर और जुनैद की हत्या, ये किसी और ने नहीं बल्कि थाना अध्यक्ष की ओर से कहा गया। सबूत मिटाने के लिए गाड़ी में आग लगाई गई, ये बड़ा बयान थाना अध्यक्ष की ओर से। स्टिंग ऑपरेशन में ये बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है। राजस्थान के भरतपुर के गोपालगढ़ के थानाध्यक्ष का बड़ा खुलासा भी सामने आया है। टीवी 9 के कैमरे पर थानाध्यक्ष राम नरेश ने कहा, गो तस्कर था जुनैद, 4-5 मुकदमों में 4,000 का इनामी था जुनैद, ये किसी और ने नहीं। एक बार फिर से बता दें कि थाना प्रभारी की ओर से कहा गया है, भिवानी का रहने वाला है मोनू मानेसर, घटनास्थल के पास उसका घर है, ये भी किसी और ने नहीं बल्कि थाना प्रभारी की ओर से टीवी 9 के कैमरा पर ही कहा गया है। तो इस वक्त का ये बड़ा अपडेट है जो निकलकर सामने आ रहा है। इन्होंने क्या हुआ कि जैसे यहाँ से उठाया इन बड़े अधिकारी मरेंगा जाने के बाद ये क्या है, जैसे तस्कर तो थे ही हो, जो आदमी जो नहीं था उसके खिलाफ 4-5 मुकदमे वांटेड था, 4,000 का तो पता लगा। वो गांव में से सूचना दिए उनको भी, नहीं वो क्या पता गांव में सूचना आज उसकी गाड़ी जा रही है, बहन इनामी भी है, तो उन्होंने मान लिया कि ये इनामी भी राजस्थान का, इसको पकड़ो आप। तो उन्होंने कंडीशन देख के बड़े हम इनको नहीं देखेंगे। इसमें इसमें कारण हुआ है, एक तो इसका खत्म हुआ है मार, फिर इन्होंने एविडेंस बता दिया दूसरे को मारा है, मार करके फिर मार। इसमें जो मोनू राणा है वो है भिवानी का रहने वाला, और जो घटना इस तरह भिवानी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो आदमी जंगल है पूरा जंगल के अंदर रास्ता है उसमें डाला है। तो ये छोटा मोटा नहीं बड़ा मामला है, और ये छोटा मोटा बयान भी नहीं था जो थाना अध्यक्ष या थाना प्रभारी के मुंह से आपने सुना है। और इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए विवेक शर्मा, पुनीत शर्मा हमारे दो सहयोगी भरतपुर से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे। एक एक कर दोनों का ही मैं रुख करूंगी। सबसे पहले विवेक, आपका मैं रुख करना चाहती हूँ, ये बहुत बड़ा खुलासा है जो टीवी 9 के एक स्टिंग ऑपरेशन से हुआ है, जिसमें जो CIA वाला एंगल सामने निकलकर सामने आ रहा था उसको कह रहे हैं कि नहीं नहीं इसमें कोई सच्चाई नहीं है, और गौ तस्करी का जो एंगल जिसको पहले पुलिस पूरी तरीके से डिनाई कर रही थी, जिसके बाद परिजनों ने अपना धरना खत्म किया था, अब उसमें सच्चाई है ये निकलकर सामने आ रहा है टीवी 9 के स्टिंग में। देखिए प्रतिभा, बात की जाए तो पुलिस ने जो आपराधिक रिकॉर्ड चेक किए थे जुनैद के, तो उसमें साफ नजर आया था कि वो 5 से 6 गौ तस्कर के मामले में लिप्त रहा है, और इस मामले में कई FIR जो है उस पर दर्ज है। तो पुलिस के सामने ये सारी चीज़ें निकल के सामने आई, और जिस तरह से पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया गया है, तो पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। रिंकू सहनी की गिरफ्तारी कर ली गई, और बाकी 4 आरोपी जो है वो अभी फरार चल रहे हैं। जिस तरह से बड़े खुलासे जो है टीवी 9 भारतवर्ष के स्टिंग ऑपरेशन में हो रहे हैं वो बेहद ही चौंका देने वाले हैं, और लगातार इसमें जो थाना अध्यक्ष है, जो इंक्वायरी इंचार्ज है, वो लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। मोनू मानेसर की जिस तरह से बात की गई कि
कि भिवानी का रहने वाला है, तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस को पहले से लग रहा था कि भिवानी के जिस जगह पर ये कार जली हुई मिली तो वहाँ पर कोई परिचित ही कार को ले जा सकता था, क्योंकि वो काफ़ी गाँव का सरकार रास्ता है और एक एकांत वाली जगह है और उससे 3-4 रास्ते अटैच है, तो किसी प्लानिंग के साथ ही वहाँ पर गाड़ी जा सकती है। तो पुलिस हर तरह से एंगल से जाँच कर रही है, लेकिन जो खुलासा हुआ है TV9 भारतवर्ष के स्टिंग ऑपरेशन वो बेहद ही चौंका देने वाला और कई खुलासे और सामने आने बाकी। इससे पहले पुनीत मैं आपका रुख करूं, उस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं और उसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगी। भरतपुर के गोपालगढ़ थाना के प्रभारी का भी बड़ा खुलासा सामने आ रहा है और वो बड़ा खुलासा ये है कि गिरफ्तार रिंकू सैनी मोनू मानेसर गैंग का आदमी है। ये बात थाना प्रभारी की ओर से कही गई है। जिस बोलेरो को जलाया गया उसका नंबर मैसेज पर आया था, ये बात भी कही गई है। थाना प्रभारी ने मोनू राणा और विकास आर्य का भी नाम लिया, मोबाइल पर मैसेज करने वाला अलग आदमी है, ये भी कही गई बात। मोनू मानेसर के घटनास्थल पर होने के सबूत नहीं मिले, ये भी थाना प्रभारी की ओर से कहा गया। मैं इसलिए पूछ रहा था ये हसीन भाई आपसे कि मतलब आप चेहरा पहचानते होंगे ना, बजरंग अग्रवाल होगा रोज, जब जो आदमी रोज आता है आपके सामने जा रहे आ रहे हैं, वो दिन में नहीं आते, वो रात के टाइम आते हैं, रात माते हैं। अब रात में आप यहाँ खड़े हो और हम यहाँ हैं तो बता क्या पहचान लेंगे रात में, उनके डर के मारे बिना हम वो रात में 12 बजे से बाद माते हैं। कितने बजे तक रुकता है ये लोग? वो 4 बजे तक। कब तक रुके, कब तक ना रुके, हम अपना घर रहते हैं, हम उनके डर के मारे हम जामे ना है कि बजरंग दल वाला है जो उठा के ले जाए और घर के मारे हम जामे ना भाई, क्योंकि भाई कहा जो हम लोगों ने चिड़िया निकाला के आधार पर ये लोग हैं। हाँ, ये जो अरेस्ट हुआ बिल्कुल है, ये बाकी जितने हैं ये मोनू जा रहे हैं उसके आपको नहीं करो मोनू माने सके कि ऑपरेशन आई नहीं है। मोनू राणा है, अनिल मूर्खल है, विकास आर्य है, ये इस समय में है क्योंकि वो जिंदगी टीम है और ये फिरोजपुर टीम है, टीमें अलग अलग है। ये लड़का है जो मोनू मानेसर की टीम का है, समझ पा रहा है? तो इसकी गलती ये है क्योंकि इस बार टीम ने कैसे उठा लिया सब, लेकिन इसकी लोकेशन और फिर ये आया भी है इधर, इसकी लोकेशन गाँव में भी है जो आया है। अभी तो हमने कल शाम को अरेस्ट किया, अभी तो आप रिमांड आ रहे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, झूठ भी बोल सकता है जो लोकेशन में आया। सुनो एक बात और, इसमें इसमें इसके मोबाइल पर जिसको मैसेज किया कोई अलग से आदमी, उसने उस गाड़ी के नंबर भेज रखे जिस गाड़ी बोलेरो को चलाया गया है, इसके नंबर पर भेजा है ऑन रिकॉर्ड है उनका जाए। तो राजस्थान से लेकर हरियाणा तक कब कहां कैसे क्या हुआ, उन तमाम सवालों के जवाब TV9 के स्टिंग ऑपरेशन में मिल रहे हैं कहीं ना कहीं पुनीत, और इस पर जो सियासत अब तक हो रही थी तमाम सवालों के जवाब स्टिंग ऑपरेशन में मिल रहे हैं। अब आगे इस पूरे मामले में क्या होता हुआ नजर आ रहा? देखिए, जिस तरीके से रिंकू सैनी को गिरफ्तार किया गया उससे लगातार पूछताछ जारी है, तो दूसरी तरफ मोनू मानेसर खुद को एक वीडियो संदेश जारी करके बेगुनाह बताता है। वो बोलता है कि उसकी लोकेशन जो है एक होटल में, और इसके अलावा वो होटल के CCTV देने की भी बात कहता है। लेकिन दूसरी तरफ जो पीड़ित परिवार है, जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार वाले दावा कर रहे हैं कि हत्या करने वाले कोई और नहीं बल्कि ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े हुए 5 लोग हैं जो गौरक्षा दल से हैं, और इसीलिए आज जो उस परिवार का एक प्रतिनिधि मंडल है गाँव का, वो राजस्थान के CM से भी मिलने जा रहा, तो कहीं ना कहीं राजनीति भी इसमें अब शामिल होती हुई नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ पुलिस के लिए एक बड़ा पेज है इस पूरे मामले में, जो FIR में 5 लोगों का नाम दर्ज किया गया है, उनको गौ रक्षक दल का बताया गया है। पुलिस के पास पुख्ता एविडेंस इकट्ठा करने होंगे टेक्निकल सर्विलांस के जरिए और जो तमाम CCTV फुटेज है उनके जरिए, ताकि वो साबित कर पाए कि जिन लोगों के नाम उन्होंने FIR में पीड़ित परिवार के कहने पर दर्ज किए हैं वो लोग सही रूप से इस पूरे जो हत्या की गई है उसके असली मुलजिम वही लोग हैं या नहीं। तो दूसरी तरफ पुलिस ये भी कह रही है कि हालांकि नाम दर्ज किया गया है लेकिन पूरे सबूत जरूर जुटाए जाएंगे, कहीं ना कहीं रिंकू सैनी की जो गिरफ्तारी हुई है वो टेक्निकल सर्विलांस और जो उसकी लोकेशन थी मोबाइल की उसके आधार पर गिरफ्तार की गई है। तो दूसरी तरफ मोनू का घर भी आसपास ही वहां पर मिलता है। पुलिस के लिए अब बड़ी चुनौती है कि एक एक कदम को फूंक फूंक कर रखे, क्योंकि अब यह मामला हत्या से एक कदम आगे बढ़ते हुए राजनीतिक रूप
रूप भी लेने लगा है, पार्टियां इसमें इन्वॉल्व होने लगी और इसीलिए जो गांव का एक प्रतिनिधि दल है वो जा रहा है। हालांकि जो स्टिंग ऑपरेशन टीवी 9 भारतवर्ष ने किया है इससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पुख्ता सबूत भी सामने आ रहा और कई ऐसी नई चीज़ें सामने आ रही है जो अभी तक इस पूरे जो फिल्मी सीन था उसके एकदम परे थी। कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई के कदम पहुँचती हुई ये इन्वेस्टिगेशन जरूर नजर आ रही है प्रतिमा। बिल्कुल ठीक है पुनीत, और कहा तो ये भी जा रहा है चूंकि राजस्थान में भी चुनाव है, ऐसे में इस मुद्दे पर भी जमकर सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है, लेकिन टीवी 9 के स्टिंग ऑपरेशन में तमाम सवालों के जवाब भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वारदात वाले दिन घटना स्थल पर मौजूद चश्मदीद का दावा भी स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया है। मोनू मानेसर अक्सर घटना स्थल पर आता रहता है, ये चश्मदीद की ओर से कहा गया है। बजरंग दल वालों का एक गैंग भी आता है, मोनू मानेसर का गैंग इलाके में सक्रिय है, रात में मोनू और उसका गैंग घटना स्थल पर आता रहता है, ये चश्मदीद की ओर से बाकायदा कहा गया। मैंने इसलिए पूछा था ये सबसे मेरे आपसे कि मतलब आप फिर चेहरा पहचानते होंगे ना बजरंग दल का, रोज जब जो आदमी रोज आता है आपके सामने नहीं, नहीं, जा रहे आ रहे हैं वो दिन में नहीं आते, वो रात के टाइम आते हैं, वो रात के टाइम आते हैं, बजे के लगभग वो रात में आते हैं। अब रात में आप यहाँ खड़े हो और हम यहाँ हैं तो बता क्या पहचान लेंगे रात में, उनके डर के मारे बिना हम वो रात में 12 बजे से बाद में आते हैं। कितने बजे तक रुकता है ये लोग, वो 4 बजे तक कब तक रुके कब तक ना रुके, हम अपना घर रहते हैं, हम उनके डर के मारे हम जाम ना है कि बजरंग दल वाला है जो उठा के ले जाए और डर के मारना है, डर के मारे हम जाम ना भाई उनको भाई कहा बताएगा। विवेक आपका मैं रुख करना चाहूंगी, तो यहाँ पर एक चश्मदीद साफ तौर पर कह रहे हैं कि बजरंग दल वालों का एक जो ग्रुप है वो इस इलाके में सक्रिय है, यानी कुल मिलाकर वो ये कह रहे हैं कि इलाके से कई लोगों को कई बार ऐसे मौकों पर उठाकर ले जाया जाता है, तो इस एंगल से भी क्या पुलिस जांच कर रही है क्या, या आने वाले दिनों में कोई इन्वेस्टिगेशन होता हुआ आपको नजर आ रहा है क्या? देखिए बात की जाए तो कहीं ना कहीं जुनैद के परिवार वाले और साथ ही उनके गांव वालों का ये कहना था कि कहीं बजरंग दल के कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं और वो मारपीट करते हैं और गौ तस्करी का आरोप लगाते हैं। ये आरोप परिवार द्वारा लगाया गया था और इसी के तहत वो आरोप लगा रहे हैं मोनू मानेसर और उसके परिवार उसके साथियों पर कि इन्होंने ही हत्या की है जिसको पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो पुलिस का कहना है कि कौन कौन दल यहाँ पर एक्टिव हैं उसकी जाँच की जाएगी। हालाँकि सबसे प्राथमिकता जो है पुलिस की ये है कि इस केस को जल्दी सुलझाया जाए और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जिन जिन पर उन्होंने आरोप लगाया है जो परिवार वाले हैं उसकी हर एक डिटेल जो है पुलिस खंगालने में जुटी हुई है, सीडीआर खंगालने में जुटी हुई है और साथ ही उनकी लोकेशंस के बारे में जानकारी हासिल करने में लगी हुई है। मोनू मानेसर का दावा जिस तरह से यह है कि वो होटल के अंदर था, वो मौकाए वारदात पर नहीं था जहाँ पर इस घटना को पूरी अंजाम दिया गया था, वो वहाँ पर नहीं था ना ही इस पूरे मर्डर हत्याकांड में शामिल था, तो उसको भी बाकायदा जाँच पड़ताल जो है पुलिस कर रही है और उसके हर दावे को भी जांचा जा रहा है। हालाँकि फिलहाल 4 आरोपी जो है जो नामजद हैं जो आरोप लगाए परिवार वालों ने फरार चल रहे हैं, पुलिस का कहना है कि जल्दी उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी। लगातार पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए जगह-जगह पर रेड भी कर रही है। बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस मामले में श्रीकांत जो आरोपी है उसके घर भी पुलिस गई थी और वहां पर भी काफी तलाशी की गई थी, लोकेश के घर भी वहां पे गई पुलिस पर, लेकिन लोकेश की भी जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। इसी तरह से सभी आरोपी के घर पे गई है लेकिन अभी तक फिलहाल उनके हाथ में कोई सफलता हासिल नहीं हो पाई है। आपको बता दूं कि 16 तारीख की सुबह ये कार बरामद हुई थी लेकिन अभी तक जो है पुलिस 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो पाई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि ओवैसी जो आए थे यहाँ पर उन्होंने कहा था कि अगर पुलिस समय रहते कदम उठाती तो शायद आज ये लोग जिंदा होते, जुनैद और नासिर के साथ इस तरह की अनहोनी नहीं होती। राजस्थान पुलिस और हरियाणा पुलिस पर काफ़ी गंभीर सवाल उठाते हुए ओवैसी नजर आए थे, उन्होंने कहा था कि राज्य सरकारें जो है वो लापरवाही बढ़ती हुई नजर आई है। अगर राजस्थान पुलिस चूंकि बात ओवैसी की तो हम बता देते किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी अब तेज हो रही है। जुनैद नासिर हत्याकांड पर सियासत तेज है, पूरे मामले पर सवाल उठ रहे हैं, आरोप लग रहे हैं और सियासी माइलेज लेने की कोशिश भी लगातार जारी है। आपको बता देते हैं किस तरीके से इस पूरे मामले पर सियासी माइलेज लिए जा रहे हैं, सुनवाते हैं। ये जितना भी आप इसका कंडेम करें वो कम होगा और अफसोस की बात यह है कि राजस्थान की जो पुलिस है और हरियाणा की पुलिस वो इन तमाम गुंडों को, क्रिमिनल्स को, टेररिस्ट को खुली छूट दे दी है कि वो आते हैं मेवात में और लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, उनको उठाकर लेकर जाते हैं। जुनैद और नसीर को जो किडनैप किया गया था उसी वक्त गोपालगंज पुलिस स्टेशन में
जाकर इत्तला दी गई, कंप्लेन दी गई, अगर वो फौरन हरकत में आते तो शायद आज वो जिंदा रहते। मोनू तो एक्चुअली जो मानेसर है वो, उसको तो अगर हम आतंकवादी कहें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके जिस तरह के आपके वो सरगना है इन सब लोगों का, इन लोगों को शह देता है, ये लोग ऑफ एंड ऑन इस तरह की हरकत हरियाणा में तो करते रहते हैं। हरियाणा के लोहारू में एक जली हुई जीप का मिलना, उसमें दो कंकालों का मिलना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जांच होनी ही चाहिए, लेकिन बिना जांच हुए जिस प्रकार निष्कर्षों पर कूदा गया कि वो कोई पुराने गौ तस्कर जिनको कई मामलों में भरतपुर में पहले से तलाश रहती थी, ये वो लोग हैं और इनको गौ रक्षकों ने या बजरंग दल ने मान लिया, मार दिया, ये कौन सी जांच का परिणाम है ये हम जानना चाहते हैं। सारी कहानी एक फिल्मी पटकथा की तरह दिखाई देती है। और एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, नासिर जुनैद केस में आरोपी की मां दुलारी देवी का भी आरोप सामने आया है। गोरक्षा ग्रुप के सदस्य श्रीकांत पंडित के परिवार से बर्बरता का आरोप उन्होंने लगाया। गर्भवती के साथ राजस्थान पुलिस ने बर्बरता की, यह आरोपी की मां का आरोप है। पुलिस ने गर्भवती बहू से मारपीट की, यह आरोपी की मां कह रही है, और उसका नतीजा ये हुआ है कि बहू का गर्भपात हो गया है मारपीट के कारण, ये बड़ा आरोप लगाया गया। गर्भपात के बाद आरोपी की पत्नी की हालत नाजुक बताई जा रही है। आरोपी श्रीकांत की मां दुलारी ने लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है। तो राजस्थान पुलिस पर यह बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। क्या कुछ कहा गया है सुनवाते हैं। मेरी बहू का गेट हलहलाया आदमी के मारे, एक कई अंदर दुबका तना रखे, मेरी बहू का गेट खुलो है, नीक नी केवाल लगी है, और उसने कई हट के धल लुका रखे तो पर्दा अर्दा हटाए के बाद पीछे से, तो मेरी बहू नीक नी बेड पे गिरी है, बेड पे थे चोट आई है, बच्चा पूरे पूरे है पूरा 9 महीना को टाइम हुआ है। कैसे हुआ है, किस हालत में? ओ किसी भी हालत में ना खत्म होगा जी, जैसा चोट लगी है हमें नहीं पता, हम दिखाते डोले, हमारे आदमी गैल नहीं, मैं ही डोली हूँ, मांडी खेरे लेके गई हूँ, मांडी खेरे तेने कह दी बच्चा में कुछ नहीं है, ले जाओ लल्लर लल्लर के यहाँ लाई हूँ, खत्म ही होगा। बता दें आपको ओवैसी से जुनैद नासिर के परिजनों की मुलाकात भी हुई। गुनहगारों को फांसी की सजा मिले ये परिजनों ने मांग की है। ओवैसी को पूरी घटना के बारे में जानकारी दी गई परिजनों द्वारा। गुंडों ने ओवैसी जुनैद को बेरहमी से, आपको बता दूं ये जानकारी दी गई है ओवैसी को कि बुरी तरीके से जुनैद को मारा गया। हमारे जो भतीजा नासिर है और हमारा चाचा जुनैद, वह सुबह शाम को गए थे एक दिन पहले लड़की के रिश्ते की तलाश में। जुनैद एक साल पहले दुकान करता था, दुकान बेच कर उसने वो गाड़ी चला रहे थे, दोनों गाड़ी पर रहते थे। वह लड़की के चक्कर में रिश्ते देखने के लिए गए थे और वापस आते ले कुछ दल को आतंकी को बदमाश गुंडा टाइप के कुछ लोगों ने वो उठा लिया है। उनके साथ में हरियाणा फिरोजपुर CIA का उनका पूरा इन्वॉल्व है उसमें। तो इस मामले पर अब भी सियासत जारी है, आगे भी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे।